प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, युद्ध में कोई विजय नहीं हो सकता, युद्ध से सबका नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। 90 सेकंड के मैसेज में कहा तुरंत युद्ध विराम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया जर्मनी छठे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में भी शिरकत की, चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने भी शिरकत की। बर्लिन के फेडरल चांसलरी में चांसलर ओलाफ शोल्ज़ और प्रधानमंत्री मोदी ने छत पर जाकर भी बात की। दोनों के बीच नजर आई सकारात्मक केमिस्ट्री। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, चांसलर ओलाफ शोल्ज़ मौजूद रहे। तीन देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। बर्लिन में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। होटल में मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडनबर्ग गेट पर दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा, 3 मई को यहां कई हाई लेवल बैठकों में हिस्सा लेंगे। डेनमार्क के बाद फ्रांस भी जाएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा रूस यूक्रेन संकट पर भारत के स्टैंड को पीएम मोदी को यूरोपीय देशों को समझाना चाहिए। गोवा के बाद अब केरल पर अरविंद केजरीवाल की नजर। केजरीवाल 15 मई को करेंगे दौरा, 2020 पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। आप नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। संजीव अरोड़ा और अशोक कुमार मित्तल ने भी शपथ ली। प्रशांत किशोर ने जन सुराज अभियान का ऐलान किया। अगले 2 हफ्तों में बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों से करेंगे बात। 5 मई को प्रशांत किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भविष्य की रणनीति का करेंगे ऐलान। प्रशांत किशोर के ऐलान पर बोले जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने प्रशांत किशोर के फैसले की सराहना की, कहा आपने हमेशा संविधान की भावना के सम्मान के लिए प्रयास किया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, एंटी पार्टी एक्टिविटी पर नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए विकास के लिए जरूरी बताया, कहा डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सही बताया, कहा इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भरोसा, प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करेंगी। चुनाव बाद हुई हिंसा के 1 साल पूरा होने पर कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता शामिल हुए। बंगाल की मालदा में बम धमाके में 5 बच्चों के घायल होने का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से जवाब मांगा। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर बोले गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, विधानसभा चुनाव से पहले मुझे बर्बाद करने के लिए पीएमओ से रची गई साजिश। सूरत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बिना परमिशन बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे आप कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था को 8 साल में कैसे बर्बाद किया, इस पर केस स्टडी की जा सकती है। राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दौरे की इजाजत नहीं मिलने पर हंगामा, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री केसीआर का पुतला जलाया। कई छात्र संगठनों ने भी तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। देश में कोयला संकट पर गृहमंत्री की बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जारी है मंथन, कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद। 4 मई को कोलकाता जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 5 मई को सिलीगुड़ी के रेलवे मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 9 और 10 मई को असम दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, असम में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा होने पर कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार से 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। गुजरात के केवड़िया में 14वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन होगा, 5 से 7 मई तक चलेगा। देश में फर्टिलाइजर के हालात पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, राज्यों के कृषि मंत्री के साथ चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, पदभार संभालने के बाद पहली मुलाकात। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार की मांग को दिखाई हरी झंडी, अब तमिलनाडु सरकार भी श्रीलंका को भेजेगी जरूरी सामान। डीएमके सांसद टीकेएस एलंगोवन ने कहा श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजनी पड़ेंगी। बीजेपी नेताओं पर बरसे एलंगोवन, कहा ये लोग दक्षिण भारत की संस्कृति को नहीं जानते, उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है हमारा कल्चर। सीबीआई ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी पर ताजा मामला दर्ज किया, आईएफसीआई से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कोयला संकट पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, केंद्र सरकार संकट से मुंह छिपाने की बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करे। गर्मी की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया, अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेगी क्लास। यूपी में ईद के दिन 31,000 से ज्यादा स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज, 2,846 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पुलिस ने विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की। ईद के मौके पर खारगोन में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की छूट, घर में ही अदा करनी होगी नमाज। सूफी खानका एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को खत लिखा, ईद के मौके पर हिंसा की आशंका जताई। मुंबई दुर्गापुर स्पाइसजेट विमान में टर्बुलेंस में घायल 14 लोगों में से 2 को आईसीयू में भर्ती किया गया, डीडीसीए ने जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, दिल्ली में 12वीं क्लास तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम पर मांगा जवाब।
दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में दो और आरोपी यूनिस और सलीम को गिरफ्तार किया। दोनों पर तलवार बांटने का आरोप। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियों को हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पटियाला हिंसा के आरोपी हरीश सिंगला और शंकर भारद्वाज की कोर्ट में पेशी, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक एमएलए एक पेंशन और घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी। गुरुग्राम के गोल्फ रोड पर शराब के गोदाम में आग, फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने पहुंची। गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, ड्राइवर को लगी हल्की चोट, सभी बच्चे सुरक्षित। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक की कर्नाटक सरकार को चेतावनी, एक हफ्ते में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएं, 9 मई से मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाकर होगा आंदोलन। मंदसौर में महिला हॉकी खिलाड़ी सागू डाबर के अतिक्रमण पर चला मामा का बुलडोजर, अधिकारियों के सामने सागू डाबर ने खुद पर डाला केरोसिन, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की मौत पर हंगामा, इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह सस्पेंड, मनराजपुर गांव में पुलिस बल तैनात। चंदौली में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं, गले के सामने खरोंच और जबड़े के नीचे मामूली चोट, लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मृतका की मां ने भी पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, बेटी के मर्डर से पहले जमकर की गई मारपीट, गले में पिटाई के निशान थे, गले में किसी धारदार चीज से वार किया गया। चंदौली की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की दो टूक, साक्ष्य के हिसाब से जरूरी कार्रवाई होगी। चंदौली की घटना पर बोले यूपी सरकार की मंत्री दयाशंकर सिंह, पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी ने गंभीरता से लिया, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गैंगस्टर की बेटी की मौत पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए, कहा चंदौली में जाति देखकर कार्रवाई की गई, पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। यूपी में हिंदू धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर अखिलेश का तंज, ये तो हिंदूवादी सरकार है, फिर मंदिरों से लाउडस्पीकर क्यों हटाए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़े गए ड्रग तस्कर के मुजफ्फरनगर के ठिकाने पर गुजरात एटीएस का छापा, 750 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की अपने कार्यकर्ताओं से अपील, ईद के दिन कहीं भी आरती न करें। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने दिए भाषण, राज ठाकरे के भाषण की होगी जांच, भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग सुनेगी औरंगाबाद पुलिस, भाषण सुनने के बाद लीगल टीम से ली जाएगी सलाह। मुंबई में मनसे ने जगह जगह लगाए चलो अयोध्या के पोस्टर, पोस्टर में राज ठाकरे के साथ जून में अयोध्या चलने का आह्वान। राज ठाकरे के 4 मई वाले ऐलान को लेकर मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट का सर्कुलर, लाउडस्पीकर की इजाजत देने के लिए बनाए सुपरवाइजिंग कमेटी। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, 4 मई को सुनाया जाएगा। नवनीत राणा पर संजय सिंह और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का मामला, दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से मामले की जांच करने को कहा। पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी, देशमुख के बेटों ने पेशी में छूट की दी एप्लीकेशन। नांदेड़ धुले के बाद महाराष्ट्र की बीड में एक शख्स के पास से 4 तलवारें, खंजर बरामद, आरोपी के पास से तलवार बनाने के उपकरण मिले। आरोपी के खिलाफ संभाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। 10 मई को रिपेयर वर्क के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दोनों रनवे रहेंगे बंद, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। 3 से 5 मई के बीच हाई टाइड की वजह से बंद रहेगा मुंबई के प्रसिद्ध हाजरी दरगाह का गेट, लोगों से हाई टाइड के वक्त दूर रहने की अपील। देश में कोरोना के 3,157 नए मामले, कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 19,500। कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन अलर्ट, 31 मई तक धारा 144 लागू। देश में बढ़ते कोरोना मामलों से दिल्ली सरकार का फैसला, एलएनजीपी और जीटीबी हॉस्पिटल में बढ़ाई जा रही है बेड्स की संख्या। दिल्ली में एक दिन में 1076 नए मामले आए, 1329 संक्रमित ठीक हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 111 लोग संक्रमित, किसी की मृत्यु नहीं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड सरकार का फैसला, अमेरिका कनाडा समेत 50 देशों के टूरिस्ट को दी अनुमति। यूक्रेन की सेना ने किया दावा, ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग बोट्स को ड्रोन से अटैक करके तबाह किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा यूक्रेन के यहूदी राष्ट्रपति समेत यूक्रेन में है नाजी तत्व, हिटलर भी यहूदी मूल का था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध को अफ्रीका के लिए बताया तिहरा संकट, खाना, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा तीनों प्रभावित। अमेरिका के कैंसस में 165 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टोर्नेडो का कहर, 1,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। चीन के हुनान में गिरी इमारत से 50 घंटे में 2 लोग बचाए गए, अब तक मलबे से 7 लोग निकाले गए, कई के फंसे होने की आशंका। माउंट एवरेस्ट पर चीन ने स्थापित किया मौसम की निगरानी के लिए ऑटोमेटिक स्टेशन, 8,800 मीटर पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम निगरानी स्टेशन। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज, सेंसेक्स करीब 85 अंक नीचे, निफ्टी में 33 पॉइंट्स की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की मामूली गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 76.50 रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम और कार लोन के ब्याज दर में कमी की, 30 जून तक 6.5% और 7% रहेगी ब्याज दर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का न्योता, कहा टेस्ला को फायदा होगा।
महंगाई के बावजूद अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास की रफ्तार रही तेज। ओडिशा में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई योजना, 3 साल में तैयार किए जाएंगे 1,000 छोटे बांध। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बुरी खबर, वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में लगी चोट, चेन्नई के खिलाफ नहीं की गेंदबाजी। चेन्नई के कप्तान धोनी बने हैदराबाद के उमरान मलिक के गुरु, बॉलिंग के टिप्स दिए। दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग का कुलदीप पर खुलासा, ऑक्शन के वक्त पहले ही कर लिया था कुलदीप को खरीदने का फैसला, प्लानिंग कामयाब हुई। अजहरुद्दीन ने कहा अगर धोनी किसी टीम में खेल रहे हैं तो उन्हें कप्तानी करनी ही होगी, कप्तानी का बोझ हटने से जडेजा के खेल में सुधार होगा। आईपीएल में 3 मई को गुजरात और पंजाब के बीच मुकाबला, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा 48वां मैच। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया चेन्नई में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान, विश्वनाथन आनंद होंगे मेंटोर। केजीएफ चैप्टर 2 ने की 1000 करोड़ क्लब के में धमाकेदार एंट्री, 18 दिन में वर्ल्ड वाइड 1023 करोड़ की कमाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी, हेमा मालिनी ने शेयर की रोमांटिक तस्वीर, खुद को बताया सौभाग्यशाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।